Academic head, we have our team, Prince sir and me. So we are looking forward with the academic team here. Okay, and today on this day, this is your first day at Motion Institute, and it's the orientation day. So we are going to start with some basic points that you should be knowing since you have joined this institute, thinking something in your mind, right? Okay, but before starting, because I am going to take care of the academics part, so आप मुझे बहुत ज़्यादा अपने क्लास में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. मैं आपको बहुत सारे स्किल्स सिखाने वाली हूँ अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज विच यू रियली नीड इन योर लाइफ. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक आइस ब्रेकर गेम. ठीक है, एवरीवन रेडी? इतना सीरियस फेस क्यों है? हंस लो, इट्स फाइन, लूज आउट द टेंशन. चलो, द गेम इज कॉल्ड साइमन सेज. किसी ने खेला है क्या? नहीं, कभी नहीं सुना साइमन सेज? ओके, किसने सुना? अच्छा, अभी सुना है. ओके, व्हाट्स योर नेम? निर्भय. वाह, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड निर्भय. चलो, तो ये जो गेम है ना, इसमें समझ लो कि आपकी अनु मैम साइमन है. ठीक है, तो साइमन ने जो भी कमांड दिया वो फॉलो करना है. अगर मैंने कहा साइमन सेज स्टैंड अप, तो एवरीवन हैज टू जस्ट स्टैंड अप, बिकॉज साइमन इज सेड, वी हैव टू फॉलो दैट कमांड. बट अगर मैंने कहा स्टैंड अप, साइमन ने बोला क्या? नहीं ना. तो जब साइमन नहीं कह रहा है तो आपको वो कमांड फॉलो नहीं करना है. समझ में आएगी? इंटेलिजेंट किड्स हो, समझ गए ना? सो इफ आई जस्ट से स्टैंड अप, इट मींस देयर इज नो एक्शन दैट यू हैव टू फॉलो, करेक्ट? सो इट्स अ क्विक एनर्जाइजर गेम, आई थिंक यू विल हैव फन. सो एवरीवन स्टडी, किसी को कोई प्रॉब्लम सोचने में? समझ में आ गया ना? सो लेट्स स्टार्ट. साइमन से स्टैंड अप, बहुत बेसिक. एंड आई एम गोइंग टू एलिमिनेट पीपल. ऑब्वियसली ये गेम है, एंड में मुझे एक विनर चाहिए जो मुझे ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है. तो लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द विनर एज वेल. ओके, सिट डाउन. दैट्स ग्रेट, एलिमिनेटेड. मैंने कहा सिट डाउन, साइमन ने नहीं कहा था. ओके, सो 1 2 3 4 5 6, लेट्स हैव अ बिग अप्लॉज फॉर दिस 6 स्टूडेंट्स जिन्होंने ध्यान से इस बात को समझा. क्या बात है, मतलब गर्ल्स में ओनली वी हैव वन पर्सन. व्हाट्स योर नेम? शिवांगी. स्वाति. ओके, दैट्स ग्रेट स्वाति. ओके, निर्भय. व्हाट्स योर नेम? अतुल. सत्यजीत. ऋषभ. उन्नयन. ये हमारा ओल्ड किड उन्नयन. चलो, दैट्स ग्रेट, नाइस टू सी उन्नयन. आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड दैट. ओके, तो उन्नयन, नाम रोशन करना. ठीक है, चलो. साइमन सेज लुक लेफ्ट, टर्न राइट. ओ माय गॉड, बस उन्नयन. तो बैठ जाओ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. कितने बच्चों ने मेरी बात को फॉलो किया? ओनली 3. You also turned. Swati turned. So we have only 3 people. आप तीनों ने नहीं टर्न किया, करेक्ट? अब इस तीन में देखते हैं कौन मेरी बात को फॉलो करता है. साइमन सेज रेज योर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, क्लैप योर हैंड्स. साइमन सेज टर्न राइट. निर्भय, we had to keep this hand. Yeah, so Nirbhay is out. We have only 2 people here. How many is watching for Satyajit, right? Satyajit na? Ha. And how many watching for Rishabh? Ha. Rishabh ke liye kitne bacche watch kar rahe hain ki Rishabh jeet sakta hai? Nahi. Nahi. Nahi ma'am. Hum pehli baar hai, aap kaise samajh sakte ho ki hame pata hai kaun jeet raha hai? But fir bhi ek wild guess, Rishabh ke liye kitne bacche ki Rishabh jeet sakta hai ye game? I'll jeet sakta hai Nirbhay
एंड उन्नयन, ओके, और बाकी सब सत्यजीत के साथ है। वाह, फर्स्ट डे सत्यजीत पॉपुलैरिटी, दैट्स ग्रेट। ओके साइमन सेज सिट डाउन, क्लैप योर हैंड्स, साइमन सेज स्टैंड अप, टर्न अराउंड, टर्न राइट, साइमन सेज टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट। दोनों हार गए, दोनों हार गए। मैंने कहा टर्न लेफ्ट नॉट योर, हार गए। सत्यजीत लाइक सच में, प्लीज सिट डाउन। सी दिस वाज अ बेसिक गेम टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ वी ट्राई टू लिसन टू अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस। इजंट दैट वी हैव व्हाट यू हैव टू डू 2 years लॉन्ग राइट नाउ, है ना? आप 2 years क्लासरूम प्रोग्राम के लिए अगर आए हो तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अबाइड बाय, यू हैव टू फॉलो, करेक्ट? तो अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आप बच्चों से जानना चाहती हूँ वो ये है, हाउ मेनी ऑफ यू हियर आर फॉर द नीट कैटेगरी? ओके, सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 जेई कैटेगरी। ओके, वी हैव 2 girls, दैट्स ग्रेट। ऑब्वियसली जेई में मैथ्स फेवरेट होगा तभी चूज किया, और नीट में बायो फेवरेट होगा तभी चूज किया, है ना? इट बिकम्स सो सिंपल टू चूज द सब्जेक्ट, राइट? बट सिंस यू हैव चोजन दीज 2 subjects एज योर मेन सब्जेक्ट, जिसके थ्रू आप 2 साल बाद कोई एक पेपर, एक कॉम्पिटेटिव पेपर खेल चुके लिए, यू नो, टू स्टार्ट ऑन विथ द मोमेंटम, हम एक मैथ्स का लेक्चर ले रहे हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस आपका आएगा फिजिक्स के लिए। उसके बाद आप मेरे पास आओगे कि मैम फिजिक्स में ऐसा ऐसा ऐसा, और देखो फिजिक्स का नाम लिया, सर इज गोइंग टू लिव लॉन्ग, सो प्लीज वेलकम, वी हैव आवर सत्यदेव सर। Let's have a big round of applause for sir. Okay, please sit down. तो ये हमारी फिजिक्स फिगर थी, ठीक है? सत्यदेव सर है, बहुत 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 ही अमेजिंग टीचर है, ठीक है? आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए, फिजिक्स के आपकी जो भी फियर है जीवन की वो सर दूर कर देंगे। बाकी सर हैज फ्यू थिंग्स टू से टू यू ऑल, सो लेट्स लिसन टू सत्यदेव सर नाउ। सॉरी, अच्छा कैसे हो डॉक्टर्स? इंजीनियर्स डॉक्टर बैठे हो ना? हम बच्चों से बातें नहीं करना चाहते, हम डॉक्टर और इंजीनियर से बातें करना चाहते हैं। भावी डॉक्टर हो ना तुम? अरे भावी डॉक्टर हो ना, डॉक्टर बनने आए हो ना? फिर जो बनने आए हैं वो एडमिशन पहले कर लेते हैं हम। हमको जो बनना है वो पहले पहले प्रोफेसर बनने से बल्ले पहले जो होता है ना वो प्रोफेसर के एटीट्यूड आ जाने चाहिए। डॉक्टर बनने से पहले फील कर लो आई एम ए डॉक्टर। जब तुम एटीट्यूड डेवलप हो जाती है ना तो तब हमें लगता है कि रियली ये चीज मैं हूं, फील हो जाएगा ये मैं हूं, और इसके अलावा अगर कुछ और चीजें होती है तो उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि हमें जो करना होता है ना सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। तो डिसीजन तुम्हारा पढ़ने का खुद का है या किसी और का है? खुद का है ना डिसीजन पढ़ने का, तुम्हारा खुद का है। लाइफ में करना खुद के लिए है कि नहीं? आप तो ना पढ़ करके आप पेरेंट्स को दोगे, ना पढ़ करके संस्था को दोगे, और क्या बनाओगे? खुद की करियर बनाओगे। लेकिन आपकी करियर को बनाने के लिए सपोर्ट होंगे अलग अलग। आपके फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं तभी वो एडमिशन करवाएं, संस्था सपोर्ट करेगी तभी वो पढ़ाएंगे, है कि नहीं? आपके करियर को एक फेज में अच्छा लेवल देने के लिए, एक सपोर्टिव बनाने के लिए आपके साथ आज पेरेंट्स खड़े हैं, आपके साथ आज संस्था खड़ी है, आपके साथ टीचर खड़े होंगे। आप दिल लगाओगे मैं जान लगा दूंगा, लेकिन आपको दिल लगा के पढ़ाई करना और खुद से कमिटमेंट करके बैठिएगा कि नहीं पढ़ना है, है ना? एग्जाम के लिए जिंदगी कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर मैं बोल दूंगा तुम 300 साल जियोगे तो मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं जियोगे, है कि नहीं? अगर मैं खुद बोल दूं कि नहीं मैं और 50 साल और जीऊंगा, अरे झूठ बोल रहा हूं भाई। हकीकत तो ये है, हकीकत हकीकत होती है कि नहीं? छोटी सी लाइफ होती है, एक अटेम्प्ट सफिशिएंट है। अगर आपने गलती से भी, आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो भी हैं, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लेते हैं नीट के लिए, है कि नहीं लेते? अगर 4 अटेम्प्ट लिया उसने लाइफ के 2 साल बर्बाद कर दिए, कोई काम का नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो चीज जितना टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए था
उनसे ज्यादा लग गया। लाइफ में कभी ऐसा हो जाएगा कि यार कुछ चीजें छूटती जा रही है, लग सकता है। अगर चीजें प्रोडक्टिविटी नहीं करोगे तो क्या लगेगा, कुछ चीजें छूटती जा रही है। और वो चीज नहीं छूटेगी पता कब, जब आप दिल से मेहनत करोगे, प्रॉपर अपने लक्ष्य को है ना अपने हैंड में रखोगे, हमेशा इमेजिन करोगे कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो मैं बन के ही रहूंगा। और एटीट्यूड ऐसे रखोगे कैसे कि अगर मैंने एक भी सीट अगर इंडिया में अवेलेबल है तो वो हमारा, किसी और का नहीं पता। एक भी सीट अवेलेबल है तो वो हमारा, दो सीट अवेलेबल है तो एक हमारा, एक का नहीं पता। इस तरीके से एटीट्यूड के साथ बढ़ना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया, है ना? गोल में इस तरीके से खोना पड़ता है कि यही हमारा सब कुछ है। दो साल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के, टीचर्स के और संस्था के पर भरोसा रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, और वो जो कह रहे हैं बेवकूफ नहीं है वो। बहुत सारे इंजीनियर्स डॉक्टर बना चुके हैं, उनकी अनुभव बोलती है, वो नहीं बोलते हैं, है ना? तो वो जो बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं, उसको आप एज ए गेट बाय हार्ट लीजिए। कभी नहीं कह रहे सर ने ऐसा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, चले कर लेंगे, ठीक है आज के काम कल कर लेंगे। आज के काम जिंदगी में कभी कल नहीं टालिएगा, कल आता ही नहीं है। एक मैं छोटी सी बात बताऊं आपको कि एक प्रेजेंस ऑफ माइंड होते हैं। आपने टेंथ करा भी, राइट? टेंथ करा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपने बहुत सुना होगा कि आप मेडिकल्स कर रहे हो, जेई कर रहे हो, बहुत टफ होती है, सुनते हैं ना? कि अपने दोस्तों के साथ में अगर 10 दोस्तों से बात करोगे ना, 10 में से 8 दोस्त आपका क्या बोलेंगे पता है? मेडिकल टफ है यार, नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। जेई क्या था, जेई टफ है यार, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक ऐसे सराउंडिंग आपको डेवलप खुद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को हेल्प करनी पड़ेगी कि आप भी चलोगे और उनके साथ आप भी उनको खींचोगे, वो भी आपको खींचेंगे। समझ आए है कि नहीं? आप भी अपने दोस्त को खींचोगे, आपके दोस्त भी आपको खींचेंगे। ऐसे सराउंडिंग में हमेशा रहने की कोशिश कीजिएगा। और मैं बता रहा हूं कि आपने बहुत सारी दोस्ती करी हुई, दोस्ती करी है, दोस्त हैं हमारे, होते हैं, ठीक है। एक वॉरेन बफर का, जो वॉरेन बफर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक कोट्स था, उसमें क्या उसने क्या बोला था कि अगर आपके 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त में से है ना, पहले उस 5 में से फाइंड आउट कीजिए कि आपसे तेज कितने हैं। अगर आपको एक भी लग जाए ना कि 5 में से 5 के 5 मेरे से कमजोर हैं, आज के आज उस दोस्ती को त्याग दीजिएगा, वो दोस्त आपके काम के नहीं है 2 के लिए। बाद में दोस्ती कीजिएगा चलेगा, लेकिन 2 के लिए वो दोस्त आपके काम के नहीं है। आपसे आप बोलोगे, वो सुनेंगे, वो सीखेंगे, आप कुछ नहीं सीखोगे उनसे। ये करवी है, मतलब सच्ची लगती है। दोस्ती को हटा दोगे कैसे? हटाने पड़ेंगे, अभी 2 हटाने पड़ेंगे। 2 हम उससे दोस्ती करेंगे जिससे हमको कुछ सीखने को मिलेगा, बस। 2 करियर बनाते हैं, उसके बाद दोस्त बनाएंगे। अब करियर एक बार अच्छी बन गई ना, दोस्त अपने आप लाइन में लग के बन जाते हैं। और करियर नहीं बनी ना, बना हुआ दोस्त साइड से निकल जाता है, सामने से बंदा निकल जाएगा, हाई तक नहीं करेगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी। और वहां जहां तक बात की है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड की, कि सर ये टफ है कैसे करेंगे, अपने अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करोगे जेई की, नीट की, तो 10 में से 8 लोग टफ ही बोलते हैं। पता क्यों टफ बोलते हैं? क्योंकि उसने सुन रखा है टफ है, करा नहीं है उसने, प्रिपरेशन नहीं कर। 10th के बच्चे को क्या पता जेई टफ है कि इजी है, उसने करा है क्या? तो फिर वो कैसे बोल देते टफ है? जो चीज आपने करा ही नहीं हो उसके अनुभव कैसे आपके पास? पता कहां से अनुभव आया? क्योंकि शुरुआत से बचपन से सुनते आ रहा हूं टफ है, टफ है, टफ है, इसलिए टफ है। अब टफ है या नहीं है वो करने के बाद पता पड़ेगा ना, उससे पहले प्री डिसाइडेड हम टफ है तो लगेगा है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें हैं। तो मतलब एक चीज होती है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, मतलब सपोज मान लो ये हाथी का छोटा बच्चा है, हाथी के छोटे बच्चे को क्या करते हैं, एक रस्सी से बांध देते हैं, वो बंदर आता है, बंदर आता है ना छोटे बच्चे, छोटे बच्चे ट्राई करते हैं कि मैं टूट के भाग जाऊं, ट्राई करते हैं ना। हाथी के छोटे बच्चे क्या ट्राई करेंगे कि मैं टूट के भाग जाऊं, मैं आजाद रहूं, घूमो फिर मस्ती करूं। छोटे बच्चे में इतनी पावर थोड़ी होते, वो तोड़ पाएगा उस रस्सी को? तोड़ नहीं सकता। वो बंध दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, फिर वो बंधा रहता है, फिर अगले दिन फिर उसके मालिक आते हैं, फिर उसको चारा वारा खिला के फिर वही बांध देते हैं, फिर वो बंधा रहता है। उसे 10 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना बहुत ट्राई किया, वो टूटा ही नहीं। वो क्या हुआ? टूटा ही नहीं।
इसका मतलब उसने बोल लिया, अरे यार ये तो मेरे से जिंदगी में कभी टूटेगा ही नहीं। उनके बाद 10 साल 15 साल के बाद हाथी कितना बड़ा हो जाता है, अगर वो चाहेगा तो बिल्डिंग तोड़ घटा देगा, है कि नहीं? अगर हाथी चाहे तो बिल्डिंग को भी तोड़ के हटा सकता है, इतना क्षमता उसके अंदर आ चुका है। उसको खुद ही नहीं पता कि हमारे पास क्षमता है, और वही पतली रस्सी से आज भी बांध देता है ना, आज भी बांधा रहता है, वो नहीं रहता। आज भी इतने बड़े हाथी को एक छोटा सा इंसान, जिसको अगर हाथी चाहे एक लात मार दे, तो अगर उसके ऊपर में पैर रख देना तो इंसान चिपक जाए उधर पे, और वो उसको काबू करके रखा हुआ है कि नहीं? हाथी अपने पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पा रहा है। अरे उस टाइम में नहीं था, उस टाइम में आपके लिए टफ था, आज आपके पोटेंशियल को पहचानो, आपकी बढ़ चुकी है लेवल, आप अब टफ नहीं है आपके लिए, क्योंकि प्री एजम्पशन बन चुका है यार हम ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा सोच के हम ट्राई तो करो, एक बार प्रयास तो करो, प्रयास करोगे, नहीं करने का कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कोई चीज ही नहीं जो नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूं कि कोई भी बच्चा ना तो तेज होता है, ना तो इंटेलिजेंट, मतलब ना तो इंटेलिजेंट होता है, ना तो मूर्ख होता है। मैं अपनी खुद बात करूं, हम एक एवरेज स्टूडेंट थे, एवरेज, बिलो एवरेज ही कह सकते हो। बिलो एवरेज कहने का मतलब है कि हमें क्लास में पढ़ाते थे, समझ में तो आता था, हमारे से भी कुछ भी नहीं बनता था, रैंक भी आते थे 20 से बाहर, अगर 80 बच्चे क्लास में हैं तो 20 से बाहर, है कि नहीं? और फर्स्ट बात मैं बता रहा हूं तुम्हें, कभी भी ना खुद में वो एटीट्यूड डेवलप मत करना, नहीं अब मैं क्लास का टॉपर हूं, मेरा तो हो ही जाएगा। अगर इस वाला एटीट्यूड आ जाए ना, तो 2 मिनट मेरे से मिल लेना, मैं बता दूंगा फिर कि एटीट्यूड आया क्यों है और हकीकत क्या है। तुम मुजफ्फरपुर शहर में पढ़ोगे ना, इस कोचिंग का सबल मान लो तो फर्स्ट रैंकर है, इस कोचिंग का फर्स्ट रैंकर। मुजफ्फरपुर में कितने कोचिंग है, 5 6 7 होंगे कि नहीं होंगे, या 10 होंगे कि नहीं होंगे, मान ले 5 मान लेते हैं। मुजफ्फरपुर जैसे शहर बिहार, बिहार में कितने हैं, बहुत होंगे। मुजफ्फरपुर जैसा शहर बिहार में कोचिंग वाले बहुत होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मुजफ्फरपुर शहर में ही अगर तुम्हारी कंपटीशन में करवा दिया जाए तो 10 स्कूल है, 10 स्कूल में से 20 क्लासरूम होंगे, मतलब सबके अगर दो दो क्लासरूम भी हो जाएंगे तो 20 क्लासरूम होंगे, 20 टॉपर तो ऐसे निकल गया, 20 टॉपर तुम्हारा अकेला मुजफ्फरपुर सेंटर में। ऐसा ऐसा जो मुजफ्फरपुर है ना, पूरा इंडिया में कम से कम अगर होंगे तो 1 लाख मुजफ्फरपुर ऐसा है, ऐसा है 1 लाख गुना, मतलब 1 लाख मुजफ्फरपुर, अगर मतलब 1 लाख ना मान लो, 10 हजार मान लो, 5 हजार मान लो, कि 5 हजार साल ऐसा होगा कि नहीं होगा पूरे इंडिया में, 5000 शहर अगर ऐसा है और हर एक शहर में 20 टॉपर है, टोटल टॉपर कितने हो गए, कितने हो गए, 1 लाख टॉपर्स निकल गए, सिर्फ 10 हजार है, 1 लाख टॉपर फर्स्ट रैंकर 1 लाख है, सिर्फ 10 हजार है, मतलब टॉपर को उठा के फेंकना पड़ता है बाहर। सर इज टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड द सीट्स दैट्स देयर यू नो फॉर द पेपर दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई। और इस खून पसीने से ना इसको सींची गई है, इस इमोशन को। तुम जिस संस्था में आए हो ना, इस संस्था को किसी ने 18 17 साल से खून पसीने से दिमाग से सींचा है, तो यह एक सिस्टम तैयार किया गया है, इस पे बिलीव करना हमेशा, कि तुम्हारे पास जो मॉड्यूल्स होंगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, ब्राउन पेपर लाना, मैं साइन करके दे दूंगा, तुमने अगर पूरी मॉड्यूल्स करी, पूरी डीपीपी करी, पूरी टीचर्स के बातें माने, पूरे क्वेश्चन के क्लास किए और क्लास के हर एक टॉपिक तुम्हें याद है, मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर तुम्हारे सेक्शन नहीं हो गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन तुम इतना करके दिखा। बोलना बहुत आसान होता है, हाँ सर आपने बोला डीपीपी कर लूंगा, मॉड्यूल कर लूंगा, ये कर लूंगा, सब कर लूंगा, सब कर लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी रैंक आ जाएगी, मैंने जितना बोला ना इतना करके देखा, AR1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, फिक्स है। मॉड्यूल में इतनी ताकत है भाई, करने के लिए सब बैठते हैं, पहला मॉड्यूल सब करता है, दूसरा मॉड्यूल सब करता है, उसके बाद भूल जाता है मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में 4 से 6 हजार चारों करेंगे, 1 2 3 4 चारों कर लेंगे, सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा, 1 2 करते करते है ना, अरे चैप्टर अलग अलग स्टार्ट हो गया उधर में, फिर छोड़ देंगे, तीसरे मॉड्यूल आते आते मॉड्यूल क्या हो जाती है, तीसरे मॉड्यूल आते आते मॉड्यूल क्या हो जाएगी, लंबी रेस का घोड़ा होगा, बनना पड़ेगा, 2 साल चलने पड़ेंगे। और अभी के टाइम पे तुम्हारे पास सोशल मीडिया यूज करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, कितने टाइम करते हो, 3 घंटे 4 घंटे, बहुत कम करते हो,
बहुत कम करने का मतलब बोला हमारा बहुत कम 4 घंटा था, बहुत कम ऐसा क्या होता, हमारा बहुत कम 4 घंटा था, 1 आवर्स करते हो ना, ठीक है। सोशल मीडिया अभी के टाइम से हमेशा के लिए डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे, वो सोशल मीडिया में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हें बेनिफिट परसेंटेज ज्यादा हो और लॉस परसेंटेज कम हो, नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में चलता वही है जो बिकना चाहता है, और सोशल मीडिया में बिकने के लिए वही आता है जो रियल में नहीं बिक रहा होता है। कभी तुमने सुना कि BMW का प्रचार हो रहा है? क्यों नहीं होता, कंपनी बड़ी करवा सकते हैं ना, क्यों नहीं करवा सकते? BMW करोड़ों की बेचती है, मर्सिडीज करोड़ों की आती है, कभी टीवी में ऐड देखा उसका? क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको पता है जो मेरा मर्सिडीज खरीदने वाला बंदा है ना, कभी वो टीवी नहीं देखता। जिस बंदे में औकात है मर्सिडीज खरीदने की ना, वो टीवी देखता ही नहीं, प्रचार कर क्या करूंगा मैं, और जो देख रहा है ना उसमें औकात नहीं खरीदने की। तो सोशल मीडिया से साइड लो, कोई काम का नहीं हो, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा उधर में, सोशल मीडिया से साइड लो। अब तुम ये सोच के बैठो कि तुम ड्रीम कॉलेज होते ना, हमारा ड्रीम कॉलेज ये है, आज के बाद जाना एक पेज में सेंचुरी पेज लेना, अच्छे से आधा घंटा लगा करके पेंट वेंट कर करके उसमें लिख देना AIR इतना वन चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, और नीचे में मम्मी पापा का फोटो लगा के चिपका देना, कहाँ पे, टेबल के सामने, रोज दिखाई देना चाहिए, याद दिलाती रहेगी तुम्हें वो करना क्या है। भूल जाओगे सपने को तुम, 2 महीने में सपने भूल जाते हैं लोग, एग्जाम के टाइम में याद आ, अरे मेरा सपना यही था, मेरे को भूल गया मैं बीच में, एग्जाम के टाइम में याद आ गया सपना मेरा यही था, मैं करने क्या आया था, करने क्या लग गया, याद दिलाता रहेगा तुम्हारा पूरी लाइफ भर की 2 साल तक तुम्हें याद दिलाता रहेगा यही करना है, यही करना है, यही करना है। बोलते ना कि अच्छा एक बताओ, तुम अभी घर से आए हो ना, इस रास्ते से आए हो, सामने में कौन सा क्या लिखा हुआ है, वो होटल है ना कुछ भी, अरे होटल वोटल है कुछ नहीं, एक दुकान देखा ना, अरे सामने में ये होटल है या फिर यहाँ पे कोई बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है। अच्छा तुम उधर से जब आए तो उधर, अरे फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में तुम्हें जब हॉस्टल से निकले थे तुम, तो सामने कुछ दिखा था कि नहीं दिखा था, कुछ भी था, लॉज था कि नहीं था, है कि ये लॉज था कि नहीं था, तुमको किसने बोला याद करने के लिए, कैसे याद, क्यों याद किया, क्यों याद किया, तुम क्या काम है, एग्जाम में थोड़ी आएगा वो, क्यों याद कर लिए, वो क्यों याद कर लिए, चीजें स्कैन होने से है ना रिमेम्बर हो जाती है, चीजें स्कैन होने के बाद रिमेम्बर हो जाएगी, रिविजन बेटर इंपॉर्टेंट डालेगा इसमें, है ना। तो तुम अच्छे से पढ़ो, बाकी ऑल द बेस्ट हमारे साइड से, पूरे साल दिल लगा के पढ़ाई करना, मैं तुम्हारे साथ जान लगा के पास करवा दूंगा, चलो ठीक है, थैंक यू। सो जाए क्या पता बीच में टक जाए, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है, सोचे रहते कि 95% डाला आएगा, 91 आ गया तो 2 दिन घर भी सोए रहेंगे, नहीं होगा, क्योंकि तो तुम्हारा गलती थोड़ी होता है, वो तो एग्जाम में गलती होता है जो 91 दे दिया होगा, नहीं होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक दो तो पहचाना हुआ चेहरा दिख रहा है, नहीं हाँ उन्नयन है, और एक और कोई है पता नहीं किसी और, जो भी है एक तो है कन्फर्म, और अच्छा हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज ओम प्रकाश यादव, और मतलब और इनका नाम है पिंकेश सर, हम लोग केमिस्ट्री लेते हैं क्लास, ठीक है, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों ही, जिनको मतलब जो शेड्यूल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा क्लास, ठीक है। हाँ, और जैसे नॉर्मली अपन सोचते हैं ना केमिस्ट्री क्लास बोरिंग होता है, ये हम लोग क्लास में बोरिंग नहीं होता है, वैसा ऐसे ही चलता है, अभी जो था ना थोड़ा बहुत वो मतलब नॉर्मल है मेरे क्लास में, लेकिन दोनों ही चीज़ चलते हैं, पढ़ाई भी चलता है उसमें, और स्ट्रिक्टनेस भी, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसा होता है कि मजाक कर रहे हैं तो केवल मजाक ही चल रहा है, बिल्कुल वैसा नहीं होता है, हाँ वैसा नहीं कि मैं पता चला कि मतलब हम लोग मस्ती कर लिए, मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तुम लोग मस्ती में डूबे हो, फिर तो मेरा दूसरा रूप तुमको दिखेगा एकदम 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट का 2 सेकंड के अंदर, हाँ वैसा, ठीक है। हाँ एक और चीज बोलना था, जैसे हम लोग जब 10th और 11th में जाते हैं, स्विच करते हैं ना, एक चीज़ शायद तुम लोग पता भी किया होगा कि जब हम लोग 10th से 11th में आते हैं तो एक चीज़ तुम्हें पता होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज होता है, पता है ना,
एक चीज तुम एकदम कंफर्म रहना अभी से या पता कर लेना, जितना सिलेबस टेंथ में होता है जितना, जैसे जितना केमिस्ट्री होगा उतना तुमको एलेवेंथ में दो चैप्टर में होगा उतना कंटेंट, शायद दो भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं, एक से डेढ़ चैप्टर में उतना कंटेंट होता है। जैसे होता है ना पूरे साल में टेंथ का जो सिलेबस होता है एक साल में खत्म होता है, उस कंटेंट को यदि एलेवेंथ के हिसाब से पढ़ाया जाए, जो स्पीड रहता है एलेवेंथ में ट्वेल्थ के हिसाब से वैसे पढ़ाया जाए, तो शायद एक से डेढ़ महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में एक चीज ध्यान करना, मतलब तुम लोग ध्यान रखना जो चीज़ तुम्हें पता नहीं चले। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है ना कि यहाँ के बच्चे होंगे, जैसे किसका किसी का परसेंटाइल 70% भी होगा, परसेंटाइल होगा किसका 90 भी होगा, तो इसका मतलब कहीं से भी निकलता है जिसका 90 है वो अच्छा होगा और जिसका 70 है वो वीक रहेगा। एलेवेंथ में आके ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ये चीज़ तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देना, तुम्हारा यदि परसेंटाइल सबसे अच्छा है क्लास में, जैसे अभी एडमिशन हुआ है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा परसेंटाइल सबसे अच्छा है, इसका मतलब तुम भी सबसे अच्छे होंगे, बिल्कुल ही नहीं होता है ऐसा। हाँ, तुम सबसे अच्छे तब हो सकते हो जब तुम सबसे ज्यादा मेहनत करोगे एलेवेंथ में आके, ये बहुत ज्यादा रफ कॉपी लगा वो सब होता है। वो तब होगा जब ये दो साल का जो टाइम है ना, अगर इसको हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छे से इसको निकालते हैं तब। हाँ, मैं एक और चीज बोलता हूँ, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं ना, जो चीज भी डांस वगैरह जो भी देखते हैं, वैसे याद रखना कि वो सारे फैसिलिटी मिलते हैं लेकिन अच्छे कॉलेजों में, बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज में कहीं नहीं मिलते। तुम मतलब नॉर्मल कॉलेज तुम जाओगे ना, मैं बता देता हूँ, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कॉलेज में आ गए। ठीक है, मतलब मुझे दोनों कॉलेज का एक्सपीरियंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे कॉलेज में सारा कुछ होता है तुमको, मतलब तुम इतने फंक्शन होते हैं वहाँ पे, पढ़ाई तो होती ही होती है लेकिन इतने फंक्शन भी होते जब तुम परेशान हो जाओ। मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे कॉलेज में सोनू निगम आया हुआ था, मैं देखने नहीं गया था क्योंकि मैं मतलब उब चुका था उतने पार्टी वूटी से, जस्ट मतलब जो बगल वाला ग्राउंड था उसमें चल रहा था कंसर्ट चल रहा था और उसके बाजू में टेनिस कोर्ट था, मैं खेलना प्रीफर कर रहा था, देख सोनू निगम का गाना सुनना नहीं, तो उससे पहले वाले साल में कौन आई थी, सुनिधि चौहान आई थी, तो वहाँ पर गया था, बहुत डांस वांस किया, लगा ठीक है डीजे वीजे तो कभी भी बज जाता है कॉलेज में, तुम बात बात पे कुछ भी वैसे होता है ना, अभी हम लोग डीजे कहीं बज रहा है तो बहुत बड़ा बात मानते हैं, कॉलेज में बहुत नॉर्मल है, कुछ भी थोड़ा सा कुछ पार्टी होगा ना थोड़ा सा लगा, तुमको नहीं लाना होता है डीजे। जो अच्छे कॉलेज में और नॉर्मल कॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है, नॉर्मल कॉलेज में जाओगे जैसे अपन होते हैं जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं 5 रुपये दो 10 रुपये ऐसा करते हैं ना, अभी अच्छे कॉलेज में आओगे तो पैसा इकट्ठा नहीं करना होता है, तुम जाओ डिपार्टमेंट में जहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें तुम एप्लीकेशन लिखो, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं, तुमको हॉस्पिटल जाना है, खेलना है, कुछ भी। हम लोग मतलब रात में 2-2 बजे रात तक गेम खेलते थे टेनिस और क्रिकेट, मतलब उतना फैसिलिटी होता है कॉलेजों में, नाइट में क्रिकेट खेलते थे, अभी कितनी बहुत बड़ी बात है ना नाइट में क्रिकेट खेलना, वहाँ बिल्कुल रहता है और हम भी लोग ने जिसको जो खेलना है वो खेलता है वहाँ पे गेम, सारा कुछ मिलता है वहाँ फैसिलिटी, लेकिन ये सब मिलेगा जब तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे, जो नेशनल लेवल के कॉलेज होते हैं ना, जैसे होते जैसे उसमें जैसे बोले एम्स बोले, जो स्टेट लेवल पर जो मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा होते हैं उसमें मिलते हैं, जैसे NIT होता है, IIT होता है, इस सब में मिलेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम इंडिया में रह रहे हो, ऐसा तुमको फील आएगा कॉलेज के कैंपस के अंदर और कॉलेज के कैंपस के बाहर, तुमको लगेगा बाहर लगेगा तुम इंडिया में हो, अंदर आओगे तुमको लगेगा कि तुम फॉरेन में आ गए, वहाँ पर वैसा माहौल रहता है, बिल्कुल ओपन सब कुछ वैसा रहता है, फ्रीडम रहता है वहाँ पे वैसा। जैसे मैं तुमको बताऊँ, तुमको अभी नहीं बिलीव होता है तो किसी अच्छे कॉलेज का तुम जो मेस का मेन्यू होता है वो डाउनलोड करना, गूगल पर सर्च करना, तुम बिलीव नहीं होगा कि वो किसी कॉलेज के मेस का मेन्यू है खाने का, तुम खा ही नहीं सकते उतना खाना जितना उतना वैरायटी रहता है वहाँ पे। बैठ जाए सर। और क्या हाल है? ठीक है, तो नीट वाले भी है ना इसमें? हाँ। जी,
कितने लोग जेई वाले हैं? अच्छा जेई वाले 4, 6, 8, 10, 11, 12 लोग, मतलब ऑलमोस्ट 50% है। चलो ठीक है, तो अब तो आप लोग टेंथ पास कर गए, इलेवेंथ में आ गए। रिजल्ट आ गया क्या टेंथ का? नहीं आया। अब इलेवेंथ में आ गए है ना, अब जेई की तैयारी शुरू कर दिए क्या? हाँ ऑफिशियल कल से, कल परसों से। तो मतलब आप लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें आईआईटी और एनआईटी में जाना है क्या? ठीक है, तो कितने लोग चाहते हैं कि हम आईआईटी में जाएं? अच्छा बाकी नहीं चाहते क्या? बाकी नहीं, और भी हैं, और भी हैं। अभी जेई वाले कितने थे? इतने ही थे। अच्छा मतलब सब चाहते हैं ना आईआईटी। क्यों चाहते हो आईआईटी एनआईटी में जाना? क्या बात, क्यों आप चाहते हो कि हम आईआईटी एनआईटी में जाएं? क्यों तैयारी करना चाहते? क्या कैरियर? अच्छा ठीक है, और कोई? अच्छा टॉप प्रेफरेंस ओके, और कुछ बताएगा कोई? देखो सही बात है, देखो जब भी आप देखो ना, तो आईआईटी और एनआईटी जो है ना, इसका प्रेफरेंस ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी कॉलेजेज हैं इंडिया में, ठीक है, अगर कोई कहीं पे भी आप जा करके बता दो ना कि हम आईआईटीएन हैं, तो लोगों के आसपास की नज़रिया बदल जाती है आपकी। ठीक है, तो आईआईटी ने अपना वैल्यू इतना बना रखा है, आपको पता, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं कुछ काम करवाने के लिए कहीं पे भी, कि बैंक में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, किसी स्कूल में चले जाओ या किसी भी स्टेज पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप ये बता दो कि हम आईआईटीएन हैं। ठीक है, अब आप बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेवल वो क्रॉस हो, ठीक है, इसलिए आप डिसाइड कर रहे हो आईआईटी। आईआईटी इसलिए डिसाइड कर रहे हो कि आईआईटी का जो बाउंड्री लेवल है सबसे ऊपर है। आप अभी यहाँ लेवल पे हो, यहाँ लेवल पे हो, यहाँ पे लेवल पे हो, लेकिन आपको ये वाला लेवल दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये लेवल, अब आपको लग रहा है कि अगर हम इस लेवल को क्रॉस कर लिए, ठीक है, जो सबसे ऊपर सबके लिए है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए लाइफ में कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि हम उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो आप हमेशा चाहते हो ना कि हमारा गोल हमसे ऊपर जरूर हो, और ये गोल ऐसा है कि सबसे ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेवल है। आप सोचोगे कि इस कंपटीशन को मुझे क्वालिफाई करना ही है, लेकिन ये सही बात है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, इतना जरूर आ जाएगा कि पूरे लाइफ में कहीं पे आपको डाउन नहीं होने देगा। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं डिसाइड कर पाओ, कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझसे होगा या नहीं होगा, ये जरूर हो कि हाँ मैं डिसाइड करूं कि करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं कोशिश किया तो फुल एफर्ट तो दे ही दूंगा और होगा ही होगा। ठीक है, जब आप किसी भी काम में ये डिसाइड कर लेते हो ना कि मुझे फुल एफर्ट देना ही है, फुल एफर्ट देना ही है, ठीक है, बाकी सारा कुछ छोड़ करके फुल एफर्ट देना ही है, तो वही एकमात्र तरीका होता है जिससे हर गोल अचीव होता है। ठीक है, फुल एफर्ट सिर्फ देना है, तो उस समय आपका माइंड का लेवल ऐसा हो ही जाता है कि आप हर काम में करोगे ना तो सिर्फ यही डिसाइड करो कि मुझे फुल एफर्ट देना ही, पीछे के सोचना है क्या, पहले से आईआईटीएन बन चुके हैं। ठीक है, हम गिरेंगे भी कोई बोल, कोई ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये डाउन गया या कुछ गया, पहले से एक वैल्यू लेवल तो पार कर ही चुके हैं। ठीक है, तो आपको डर खत्म हो जाता है, सारा कुछ ये टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सब कोई चाहता है ना कि हमारा लेवल जो है ना, ऐसे लेवल को हम पार करें। मैं मेनली आईआईटी वाले को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो एम्स वाले हैं, नीट वाले हैं, वो लेवल डाउन है, वो भी काफी अच्छे लेवल में, ठीक है, लेकिन थोड़ा कैटेगरी उनका अलग है। ठीक है, हम लोग तैयारी करेंगे, जेई लेवल पे रहूंगा, और जेई एडवांस में जाना है तो मुझे इस लेवल से तैयारी करना है। आपको अपना बेस्ट लेवल देना है, ठीक है, तभी आप मेंस या एडवांस के लिए सोच सकते हो। अगर आपने सोच लिया पहले से मुझे जेई मेंस तक तो किसी तरह क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ऐसा समझ के चलते हैं, तो आप डाउन लेवल पे जाओगे। ठीक है, देखो सिलेक्शन उसी का होता है
जो अपना हर टाइम वेस्ट देते रहता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है ना, कंपटीशन है तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप सोचोगे कि ये वाला कंपटीशन थोड़ा लो लेवल का है, ये ज्यादा लेवल का है, ये ज्यादा लेवल का, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंपटीशन में वही क्वालिफाई करेगा जो हर टाइम अपना बेस्ट देते रहेगा, तब जाकर के फाइनली लगता है कि हाँ हम क्वालिफाई हो गए। और जो डिसाइड कर लेता है कि अभी कुछ टाइम तक हम लोग इतना लेवल पे चलेंगे, बाद में जाके इतना लेवल पे चलेंगे, बाद में बीच में थोड़ा सा डाउन भी रहेगा तो कोई बात नहीं, आगे चल के मैनेज कर लेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मतलब सिलेक्शन के लिए हर टाइम अपना बेस्ट, ठीक है, हर टाइम अपना एफर्ट लेवल बेस्ट पे रखना है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझे ये नहीं, देखो बहुत बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ा कम आता है, जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, किसी की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा है, किसी का कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, किसी का कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। करना डिफरेंस क्या है, ऐसा नहीं है कि जो अभी वीक है उसका सिलेक्शन नहीं होगा या जो स्ट्रांग है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये डिसाइड आप या कोई नहीं कर रहा, अभी कोई डिसाइड नहीं कर रहा। कुछ बच्चे होते हैं ना जो शुरू में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे स्नेहल वगैरह थे, ठीक है, मतलब उनका जो था ना लेवल बहुत अच्छा था, अभी हालत खराब है क्योंकि वो पूरा 2 साल लापरवाही किए। कुछ बच्चे थे जो शुरू में वीक थे लेकिन इतना मेहनत किए कि अभी उनका लेवल अच्छा हो गया, समझ गए। मतलब सिर्फ ये जो 2 साल का टाइम है यही आपको डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। मतलब आप चाहे जिस लेवल पे हो अपनी लेवल को रियलाइज करो कि मेरा लेवल ये है, मुझे ये नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हाँ मुझे नहीं आता तो मैं पीछे हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अभी देखो शुरू में क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले दिखाते हैं, कुछ बच्चे को समझ ही नहीं आता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरा होगा कि नहीं, ये तो ये जो 2-3 बच्चे हैं ये तो पहले दिखा रहे हैं, मतलब अगर सिलेक्शन होगा तो इनका ही होगा, मेरा शायद नहीं होगा। देखो ये सब चीजें नहीं होती, आप खुद डिसाइड करो कि मुझे ये नहीं आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। सिर्फ आपको ये करना है कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ रहा हूँ वो मुझे सीखते जाना है हर टाइम पे, और अगर कुछ भी डाउट्स हुआ क्लास में पूछना है, हिचकिचाना नहीं है कि हाँ ये बच्चा बना लिया वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा, ऐसा बिल्कुल, ये सब शर्म वाली जो बातें होती ना इसको हटा ही देना है, ठीक है, ये सब चीजें हटा ही देना है। आप जितना पूछोगे उतना समझोगे, मतलब आपको अभी ये सब चीजें हटाना है कि मुझे मुझे कंपटीशन करना है, क्या करना है, अभी आपके माइंड में सिर्फ एक एम होना चाहिए कि मुझे जितना ज्यादा सीख लेना है, ठीक है। अगर आप ये डिसाइड कर लिए कि मुझे जितना ज्यादा सीख लेना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, जितना ज्यादा उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाना है, ठीक है, मतलब आप अपने बेस्ट लेवल पे चल रहे हो, इससे ज्यादा लेवल नहीं होता है, समझ रहे हो। सिर्फ आपको यही एम रखना है कि मुझे सीखना है। टॉपिक क्या चला, टॉपिक चला बेसिक मैथ वेबीकर मेथड, ठीक है, वेबीकर मेथड का आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे, तुरंत आकर के मेरे पास पूछो सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपके माइंड में जितना ज्यादा आ रहा है हम अपने तरफ से वो लेवल देंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक होता है, ठीक है। मतलब कुछ बच्चे का बिल्कुल बेसिक होता है कि हाँ इतना बेसिक, मतलब ये पूरा बिल्कुल बेसिक लेवल हुआ और ये IIT का एडवांस लेवल हो गया, ठीक है, ये सारा लेवल के क्वेश्चंस हमारे नोट्स में रहेगा, ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन नोट्स में रहेगा, ठीक है, मॉड्यूल में भी बेसिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन रहेगा और लास्ट में मॉड्यूल का एक्सरसाइज 4 निकालोगे तो उसमें PYQ रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन सीखने के लिए, इतना करने के लिए आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन अगर आ जा रहा है तो मैं नहीं बना पा रहा हूं, ठीक है, या मैंने ये दिया और उस समय आपको माइंड में लगा कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते, तो उसी समय पूछ लो, ठीक है, क्या क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको हिचकिचाना नहीं है, चाहे वो नीट वाले हो चाहे वो JEE वाले हैं, जिसके अंदर ये चीजें रहती है कि मुझे सीखना है, वो चाहे डाउन लेवल पे हो 0 लेवल पे हो फिर भी वो सीख सकता है। देखो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं जब तैयारी करना शुरू किया था तो 12th पास करने के बाद मुझे पता चला था कि ये IIT और NIT भी कुछ चीज होता है, पता ही नहीं था कि क्या होता है। 12th ऐसे हम लोग हिंदी मीडियम में ऐसे पढ़ लिए थे
कुछ भी नहीं पता था, बोर्ड भी दे दिए ट्वेल्थ का, लेकिन ये था कि मेहनती हैं हम लोग, इतना था कि मेहनती हैं, चाहे कंपटीशन कुछ भी हो हम लोग कर सकते हैं, ये था। तो मतलब इस वजह से उस समय पता चला, एक फ्रेंड ने बताया कि आईआईटी सबसे बड़ा कंपटीशन है, तो हम वही सोच रहे थे सबसे बड़ा जो मिले वही करना है मुझे, कुछ है, ऐसा नहीं कि ये सब तो इतना मेहनत किए हैं तो कुछ भी हम लोग तो कर ही लेंगे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा करना है। तो सबसे बड़ा क्या है, आईआईटी है, तो तैयारी करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री कुछ नहीं आता था, मैथ आता था, केमिस्ट्री ये नहीं पता था C2H6 कैसे लिखे, 2 नीचे लिखे या 2 ऊपर लिखे, कैसे लिखे, एटॉमिक नंबर याद नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक 9th क्लास का बुक स्टार्ट किया, सारा एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है वहां से स्टार्ट किया, ठीक है, एटॉमिक नंबर याद करना स्टार्ट किया, और 1 से 100 तक 30-40 जनरली एटॉमिक नंबर यूज होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। लेकिन मैं 1 से 100 तक याद किया, और इतना प्रैक्टिस करके याद किया कि वो भूल ही नहीं पाया, मतलब अभी भी बहुत सारे एटॉमिक नंबर जो अभी भी याद है, ठीक है। तो मतलब केमिस्ट्री जो चीजें है ना, वो रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लास्ट में क्या हुआ, जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे, उसके बाद मैथ में, और सबसे कम फिजिक्स में आया। लेकिन ये है कि मैथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था, केमिस्ट्री जरूरत के हिसाब से मैंने चेंज कर लिया, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का ये चीजें स्ट्रॉन्ग, अगर किसी को लग रहा है ना कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पहले से लग रहा है, तो देखना एग्जाम जब दोगे ना तो वो सब्जेक्ट सबसे कम मार्क्स आएंगे। ये चीज आपको नहीं लगनी चाहिए कि मेरा पहले से ये आता है, मेरा कॉन्फिडेंस है पहले, ऐसा नहीं। अभी आप सीखने आए हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपके पास, ठीक है, उसको एक एक टॉपिक को आपको सीखना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और जितना उसमें ज्यादा लेवल हो सके उतना लेवल जाना है। साथ में क्या करना कि जो चैप्टर चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाना, प्रीवियस ईयर छोड़ना नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल में भी प्रीवियस ईयर है, लेकिन मॉड्यूल के जो प्रीवियस ईयर है वो सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम देख रहे हो, तो एग्जाम ऐसा नहीं है कि अभी तक सिर्फ 20-25 क्वेश्चन ही आए होंगे किसी चैप्टर से, ऐसा नहीं है, एग्जाम तो कितने सालों से चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, तो आप या तो मोशन के ऐप पे जाओगे तो उसमें पूरा चैप्टर्स दिए रहते हैं, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं। जैसे मान लो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया, ठीक है, क्वाड्रेटिक शायद आप लोग 10th में ही पढ़े, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फिर से 11th में ही पढ़ने, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चलो मॉड्यूल में सिलेक्टेड 4-5 साल के क्वेश्चन दे दिए। अब जब उसमें मोशन के ऐप में जाओगे ना प्रीवियस ईयर PYQ, तो उसमें आपको 20-25-30 साल के क्वेश्चन आ जाएंगे, 100-200 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो मैथ्स जो है ना प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, आप पहले कंसेप्ट को सीखो, कंसेप्ट को सीखने के बाद क्लास में बिल्कुल एक्टिव रहो। क्लास में जो क्वेश्चन दिया गया है आपके अंदर से ये रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन को मैं सबसे पहले बनाऊं और साथ में बिल्कुल एक्यूरेट बनाऊं। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि सबसे पहले बनाऊं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि मैं एक्यूरेट बनाऊं, ठीक है, क्लियर है, मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़नी चाहिए, ठीक है। और ऐसा अगर क्लास में करते, हर क्लास में आपका ये सीरियसनेस रहना चाहिए कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया कंसेप्ट समझाने के बाद वो मैं खुद से निकाल लूं, ठीक है। अगर किसने निकाल ले रहा है क्वेश्चन, क्लास में 1.5 घंटे का क्लास हुआ, 1.5 घंटे में अगर मैंने 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कराया, तो उसमें से आपने 10 क्वेश्चन खुद से निकाल लिया, वो 10 क्वेश्चन दोबारा घर पे जाकर के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपने समझा वो जा करके फिर से सॉल्व करना ही है, अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो फिर से जब दोबारा कोई भी देगा आप वहीं पे फंसोगे जहां पे पहले फंसे थे, ठीक है। आपको लग रहा है 11 शुरू हो गए, तो चलो ठीक है, आप लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ और कल से क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, और अभी आपका जो 10th और 11th का जो गैप है ना, इसको फिलअप करने के लिए बेसिक मैथ्स नाम का एक चैप्टर चलेगा, ठीक है, ठीक है। 10th का और 11th का जो गैप है ना, 11th यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10th यहाँ तक था, अभी बहुत कुछ है इसमें, इनिक्विटी वगैरह उतना नहीं पढ़े होगे, कुछ लोग जो 10th में थे ऑनलाइन पढ़े हो ना इनिक्विटी, ठीक है, थोड़े बहुत लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इससे आपको घबराने की बातें नहीं है, हम लोग फिर से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो
बेसिक कुछ दिन चलेगा, जिससे ये जो गैप है किसी को समझने में कोई टॉपिक दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं कि बेसिक सिर्फ समझने के लिए चलेगा, बेसिक मैथ से क्वेश्चन सीधा मेंस और एडवांस में आते हैं। बेसिक मैथ में लॉग चलेगा, ठीक है, लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जा करके कहीं भी ऐप पे निकाल करके या फिर नेट पे कहीं पे भी देखोगे, तो लॉग से क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, ठीक है। वेबी कर्व जिसको नहीं आया, बेसिक का टॉपिक है, वेबी कर्व जिसको नहीं आया पूरा मैथ खराब हो जाएगा, मैथ समझ नहीं है। ट्रिगो जिसको नहीं आया, ट्रिगो के बिना पूरा मैथ बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब पहले हम लोग करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ऐसा नहीं कि ये बेसिक चल रहा है तो इसको थोड़ा सा डाउन चले, ठीक है, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नेक्स्ट वाला जो आता है। हर टॉपिक को बिल्कुल सीरियस लो, ठीक है, और हर टॉपिक को सीखने के व्यू से, ठीक है, उसमें अपना बेस्ट लेवल पे ले जाने के, कि हम ऐसे लेवल पे जाएं कि हमारा एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से छूटे ना। आपके अंदर ये रहना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ लिया ये रहना चाहिए, वो टॉपिक कहीं चल रहा है ना किसी ने साल पे, जाकर के देखे पहले कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, अच्छा ये तो मुझे आता है, समझ गए। वो लेवल हर टाइम हर टॉपिक के बाद आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, फिर करो। तो भी होंगे कि भाई हमें अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। सबका लक्ष्य निर्धारित है, कितने जेई वाले हैं, कितने नीट वाले हैं, ओके, कोई बोर्ड वाला भी है क्या इसमें, कोई बोर्ड वाला भी है, नहीं है ना। चलिए, जेई और नीट तो आप सबको करना ही है, साथ में आपको बोर्ड तो सबको करना है, ठीक है। बोर्ड कंपल्सन है, सबको करना है। जब तक आप बोर्ड करेंगे नहीं तो फिर बाकी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। यानी आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपको बोर्ड भी करना है, और साथ में जो जेई का टारगेट लेके चल रहे हैं उनको जेई करना है, और जो नीट का टारगेट लेके चल रहे हैं उनको क्या करना है, नीट करना है, ठीक है। हमको उम्मीद है कि मैम ने, बाकी सर ने आपको यहाँ के सिस्टम के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ के पढ़ाई की प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से अवगत कराया होगा। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है उसमें, नहीं है तो सब तैयार है। क्या करना है सबको, अपने लक्ष्य को क्या करना है, टारगेट करना है। अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया है उसको क्या करना है, अब उस पर पूरी तरीके से जी जान से क्या करना है, मेहनत करना है, उस लक्ष्य को हासिल करना है, ठीक है। और इसके लिए आपका लगन सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। हमारी मेहनत होगा लेकिन आपका लगन, आपका पैशन जहाँ कहीं कम होगा उसको बढ़ाने में भी हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए लर्निंग के प्रति, क्योंकि आप किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे, लर्न करने के लिए, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हैं उसको मैक्सिमम आपको क्या करना है, गेन करना है। ये तभी हो पाएगा जब आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझे हैं और इस प्रोसेस के साथ आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। हम आपके साथ कितना भी मेहनत करेंगे बट आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आप चीज़ों को पूरी तरीके से करेंगे नहीं घर जाके, तो फिर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगी। हमको लगता है मैम ने आपको बताया होगा कि आपको अपना सेल्फ स्टडी आवर पर भी क्या करना है, पूर्ण ध्यान देना है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा चूँकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ हो चुकी है। कुछ एक बिंदु है जिस पे मैं चाहता हूं कि आपको मैं अवगत कराऊं, जो आपके जीवन के लिए भी उपयोगी है और पढ़ाई के लिए भी उपयोगी है। देखिए, किसी भी तैयारी की जब आप शुरुआत करते हैं ना, तो उसके लिए अपने आप को मेंटली, फिजिकली, हेल्थी सभी रूप से क्या करना है, तैयार रखना, ठीक है। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करनी है कि रात में पढ़ लिए सुबह क्या हो गए, बीमार हो गए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक अपना रूटीन सबसे पहले क्या करना होगा, स्टेबल करना होगा, कि आपको किस तरीके से उस टारगेट को, लक्ष्य को करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले रूटीन में आपको उसको क्या करना होगा, ढालना होगा, ठीक है। जिसमें आपके सुबह उठने से लेके कोचिंग आने से लेके घर जाके पढ़ाई यानी होमवर्क्स या बाकी जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी प्रॉपर क्या करना है, ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्लासेज आपके यहाँ क्या होंगे, छूटेंगे। तो क्लासेज छूटने भी नहीं चाहिए और आपकी पढ़ाई भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपको पढ़ाई के साथ अपने हेल्थ का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा काम क्या करना है, निश्चित तौर पे समय पे क्लास में क्या करना है, आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 बजे का क्लास है तो आप
7:10 पे आ रहे हैं, तो 10 मिनट आपका निकल जाएगा ना, वो फिर दोबारा वापस आने के लिए ये अलग प्रेशर आपके ऊपर क्या होगा, बनेगा। क्योंकि आप जब पढ़ाई करेंगे, क्लास में जाएंगे तो क्या होंगे, आपके पूरी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में आएगी, कुछ एक बात समझ में नहीं आएगी, तो क्या होंगे, डाउट्स होंगे। और 10 मिनट छोड़ दिए हुआ क्या हो गया आपके लिए, एडिशनल बर्डन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि डेली कोचिंग आना है, और साथ में क्या करना है, समय पे आना, समय से लेट नहीं आना। दूसरी बात है अपने शिक्षकों पे क्या करना है, विश्वास बनाए रखना है। बिकॉज जो आपके शिक्षक है ना, दे आर मतलब वो आपके कोच हैं, कोच समझते हैं ना, कोच होता है, क्रिकेट में भी कोच होता है, फुटबॉल में भी कोच होता है ना, और आपके ये पढ़ाई के क्या है, कोच हैं। वो कोच जानते हो ना, कोई भी क्रिकेट का जो कोच होता है वो क्या होता है, पहले क्या करता है, वो क्रिकेट खेलता है, फिर क्या बनता है, वो कोच बनता है। तो निश्चित तौर पे आपको जो यहाँ पढ़ाने वाले लोग हैं, दे आर एक्सपीरियंस, यानी जिस प्रोसेस के लिए आप कर रहे हैं उस प्रोसेस से ऑलरेडी होके क्या गए हैं, गुजरे हैं, दे ऑल आर IITians, NITians और किसी अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, जो काफी दिनों से बच्चों के एक तो खुद प्रोसेस से गुजरे हैं और साथ ही साथ इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, जो काफी बच्चों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में क्या किए, मदद किए। तो आपको उन पे क्या कराना होगा, विश्वास बनाना होगा। तीसरी बात यह है कि आप जब भी पढ़ाई करेंगे तो आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में मैम ने बताया होगा। पहला जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, दूसरा NCERT जिसको कभी भूलना नहीं है, और तीसरी बात जो है कि भाई जब आप पढ़ाई करेंगे तो डाउट्स क्लियर करना है, डाउट्स क्लियर करना है, डाउट्स को कैरी करके ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डाउट्स जब आप क्लियर करने आएंगे तो नॉर्मल बच्चों के साथ परेशानी ये होती है कि डाउट्स एक बार में टीचर कितने बच्चों को करेंगे, एक बच्चों का। आपको हो सकता है कि थोड़ा क्या करना पड़े, वेट करना पड़े, ठीक है। अब ये नहीं कि भूख लगी है इसलिए आप छोड़ो, डाउट को हटाओ, कल देख लेंगे, दैट विल बी अनदर बर्डन। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताता हूं बच्चों के साथ। आपकी क्लास मिनिमम 3 क्लास तो होगी ही, अगर आप नीट के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी, अगर आप JEE के स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा। तो मिनिमम मान के चलिए कि 4.5 घंटा तो हो गया आपका, और थोड़ा समय आपको डाउट के लिए भी क्या करना है, देना है, जिस सब्जेक्ट में डाउट रहेगा, और आप पढ़ेंगे तो डाउट होगा। डाउट उसी को नहीं होता है जो क्या करता है, नहीं पढ़ता। पढ़ेंगे तो समस्या आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। समस्या आएगा ही नहीं कभी, समस्या आ रहा है इसका मतलब है कि आपको क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जब समस्या आए उसका समाधान कब होना चाहिए, उसी दिन होना चाहिए। अगर समस्या को घर ले जाएंगे तो फिर वो आपके लिए क्या होगा, दैट विल बी अनदर बर्डन टू यू, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपको जो डाउट्स दिया गया है उस डाउट्स को क्या कीजिए, क्लियर करिए। और तीसरी बात है कि क्लास में आपका ईमानदारी के साथ पार्टिसिपेशन, ईमानदारी के साथ पढ़ाई, क्लास में आपकी बातों को गंभीरता से क्या करना है, सुनना है और पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि क्लास में ही पूरी बातें दोस्ती वाली वही खत्म कर लेनी है, तो टीचर क्या कराएंगे, खड़ा कराएंगे, क्यों बात कर रहे हो क्लास में, ठीक है। कोशिश करना है कि क्लास के समय में हम किसकी बात करें, बात सिर्फ पढ़ाई की, और टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सिंसियरली क्या करें, हम सुने, बिकॉज दिस इज ए साइंस, ये आर्ट्स नहीं है कि आप थोड़ा छोड़ भी देंगे तो बाद में आप किताब से उसको क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। साइंस का मतलब है कि जब तक आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और पूरा जो प्रॉब्लम बनना है वो उसी कंसेप्ट बनना है, क्लियर है। तो ये पॉइंट है कि क्लास में आपको डिसिप्लिन भी रहना है, सिंसियर भी रहना है और कंसिस्टेंट भी रहना है, क्लियर है। क्लास खत्म होगा, डाउट लीजिए, डाउट लेके निश्चित तौर पे आप घर जाएंगे या हॉस्टल जाएंगे। आप जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां जाके थोड़ा रेस्ट करिए, और रेस्ट करने के बाद मिनिमम घर पे 5 से 6 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। कितने घंटे की, 5 से 6 घंटे की स्टडी होगी तभी आप यहां का होमवर्क कंप्लीट कर पाएंगे।
अदरवाइज फिर एक अनदर बर्डन अगले दिन के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो घर जाके क्या करना है, डीपीपी बनाना है, यानी आपको जो प्रैक्टिस पेपर है उसको बनाना है। दूसरा मॉड्यूल्स के एक्सरसाइजेस क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने हैं। और तीसरा लर्निंग ऐप के बारे में मैडम ने बताया, तो लर्निंग ऐप के थ्रू भी आपको अपने प्रॉब्लम को क्या करना है, जो भी उसके अंदर में टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, सब टॉपिक वाइज टेस्ट है, उस टेस्ट को आपको क्या करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है आपके पूरे दिमाग में कितना आया है। दूसरी बात कि अगर आप घर जा रहे हैं और अगर कोई समस्या आती है, हर प्रॉब्लम का वीडियो सॉल्यूशन वहां पे क्या है, उपलब्ध है। आप अपनी समस्या को वहां से क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम बनाना या रिजॉल्व करना, यानी आप एक तरह से मानिए तो टीचर आपके साथ 24/7 भी क्या किए हुए हैं, लगे हुए, बिल्कुल आपके साथ उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। बस आपको उस प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं, फिजिक्स बना रहे हैं, केमिस्ट्री कुछ भी कर रहे हैं, आप जहां आप फंसते हैं वहां से इंटरेस्ट क्या करता है, टूटने लगता है। तो इंटरेस्ट की कंसिस्टेंसी भी क्या करना है, बनाए रखना। होमवर्क ऐसा नहीं कि इतना बन गया छोड़ दिया, नहीं। दूसरी बात, पढ़ाई बेड पे सो के कितने लोग करते हैं, तकिया लगा कितने लोग पढ़ाई करते हैं, करते हैं कोई, सब करते होंगे, लगभग लोग यूज करते हैं। घर में आपके टेबल कुर्सी होना क्या है, अनिवार्य है। पढ़ाई आप जब भी करिए तो किस पे करिए, टेबल और कुर्सी पे करिए, सही पोस्चर में करिए, आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, बना होगा, ठीक है। मोबाइल का इस्तेमाल के लिए एक आवर क्या कीजिए, आप फिक्स करिए, नहीं तो दोस्ती की सर्किल बनाएंगे तो फिर क्या होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में आपका काफी समय क्या हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। आजकल तो बच्चे क्या आ जाता है, रील्स ना शुरू करते हैं तो मालूम चला सुबह से शाम तक उसी में खत्म कर देते हैं। तो टाइम इज गोइंग टू बी वेस्टेड, ठीक है, क्योंकि उसका समय अब आपके पास नहीं है। दिस इज अ टाइम कि भाई आप अपने आप को क्या करिए, रिजुविनेट करिए, अपने आप को इतना एक्टिव करिए कि जिस प्रोसेस को आप फॉलो करना चाहते हैं उसको क्या करना है, आपको अचीव करना है, राइट। तो डेली पढ़ना है और डेली अपने आप को क्या करना है, एसेस करना है, और फिर 15 दिन पे आपका क्या होगा, यहाँ पे टेस्ट होगा, होगा ना। 15 दिन पे जो टेस्ट होना है वो कैसा टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होना है। उसमें आपका पार्टिसिपेशन 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तैयारी नहीं होने पे सर में दर्द शुरू हो जाता है, मम्मी पापा से भी एक्सक्यूज दिलवाते हैं, आज तो सही में इसका तबीयत खराब है, नहीं करना है। अपने आप को इतना हेल्दी रखना है, इतना अपने आप को डिसिप्लिन रखना है कि टेस्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आप टेस्ट को स्किप करेंगे इसका मतलब है कि आप पूरे पैटर्न को ही क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपका रियल स्कैनिंग वहीं से आना है। एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने से के बाद टीचर आपके साथ क्या करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, आपके साथ बातें करते हैं। आपके समस्या को आपने गलत तरीके से बनाया तो उसको सुधारने का आपको प्रयास भी बताते हैं, और आपका रूटीन बनाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो बताएंगे आपको कि किस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत करने की क्या है जरूरत, तो उनके गाइडेंस को क्या करना है, प्रॉपर मानना है, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करना है, और अपने एक्सरसाइजेस को भी क्या करना है, कंप्लीट करना है, और प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर। ये नहीं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, रात रात पढ़ेंगे, 10 बजे के बाद तो शुरू करते हैं पढ़ना, तो क्या होएगा, 2 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह 8 बजे क्लासेज होंगे, तो क्या होंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। नींद जब पूरी नहीं होगी तो आप क्लास के समय पर मौजूद नहीं हो पाए। बेटर है कि आप समय से क्या करिए, सो जाइए, समय से उठ जाइए, और समय से यहां क्या करिए, पहुंच जाइए। छोटी छोटी परेशानियां अभी सटल होने में आपको आएगी, लेकिन अगर आप सुबह जगना शुरू करेंगे आपके पास सफिशियंट टाइम मिलेगा। आज ही मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेट आए हैं,
आज तो 9:30 का समय था, आने वाले दिनों में आपका समय कब होगा? 8 बजे भी हो सकता है, 7 बजे भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे? आपको अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज्ड करना होगा, अपने आप को इससे बड़ा जो है ना, आपके दिमाग से बड़ा अलार्म कोई नहीं होता। घर में कभी 5 बजे ट्रेन पकड़ना पड़ता तो उठते हैं या नहीं उठते हैं? ये अलार्म फिट करना होगा कि मुझे तो JEE करना है, मुझे NEET ही करना है। और जब कभी भी कोई समस्या हो, मैम आपके लिए मेंटर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या आप उनको बताएंगे, वो निश्चित तौर पे आपको एक बेटर स्ट्रैटेजिक अपडेट आपको देंगे कि कैसे इस चीज समस्या से आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है? और ऐसी परिस्थिति होगी आपके एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आएंगे या कुछ भी नहीं आएंगे, ऐसी परिस्थिति में पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी, बट आपको कंसिस्टेंट होके सिस्टम के साथ, सिस्टम के प्रोसेस को क्या करना है, कोऑपरेट करना है, उसके साथ हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ना है, ठीक है? तो सब लोग पूरी बात को हमको लगता है कि समझ गए हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी से वादा करता हूं कि अगर इस प्रोसेस को आप पास करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तरीके को फॉलो करते हैं, आपके गोल को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है, आप निश्चित सफल होंगे। आप जो JEE करना चाहते हैं उनको JEE होगा, जो NEET करना चाहते हैं वो उनका NEET सफल होगा। लेकिन यह एक तपस्या है कि किस तरीके से आप समस्या को अपना रिजॉल्व कराएंगे, उसके तहत उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और मित्रों में कभी न कभी आप लोगों से मिलता रहूंगा, और मिलने का सबसे बड़ा कारण यही होगा कि आप अपने क्लास में अव्वल आएंगे। अगर आप बेहतर आएंगे यू विल बी गेट रिवार्डेड ऑल द टाइम, और जब आपको रिवार्ड देना हो तो निश्चित तौर पर तो आप चाहते हैं कि हम मिलते रहे आपसे, तो सब लोग काम करेंगे, नंबर लाएंगे, और जब नंबर लाएंगे तो हम खुद होगा, ठीक है भाई? बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी हमारी बात को बहुत तन्मयता से सुने हैं और डिसिप्लिन तरीके से रहे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आगे बढ़िए, ये मेरी शुभकामना। थैंक यू।